हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम पे। उसमें हमें पैटर्न मैचिंग टेबल भी बनाना है और पैटर्न मैचिंग ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि Find the table and corresponding graph for the second pattern matching algorithm, where the pattern P is given as P दिया हुआ है A B A B A B, ठीक है। इसके लिए हमें pattern matching table और pattern matching graph construct करना है। तो अब इस question को देखिए किस तरह करेंगे हम। Already हम लोग एक problem कर चुके हैं पिछले video lecture में, तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो इसमें जो इनिशियल सबस्ट्रिंग्स ऑफ पी, इसमें इनिशियल सबस्ट्रिंग्स ऑफ पी, इनिशियल सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमने कहा कि क्यू जीरो हो गया हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद क्यू वन हो गया ए, फिर Q2 हो गया AB, फिर Q3 हो गया ABA, Q4 AB AB हो गया, फिर Q5 हो गया AB ABA, और Q6 हो जाएगा AB 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 ए बी और ए बी, और ये आ गया हमारा पैटर्न पी, ठीक है। अब इसके लिए जब हम फंक्शन लिखेंगे कि द फंक्शन एफ गिविंग द एंट्रीज इन द टेबल आर एज फॉलोज, जब हम फंक्शन एफ लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पे अगर हम ए देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, ए पे, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम अगर ए पे ए देंगे तो हम पहुंचेंगे ए पे, फिर ए बी पे ए हम देंगे, ठीक है। तो आगे इस पे हम किस पे आ जाएंगे, ए बी पे ए देंगे तो ए बी ए पे, फिर हमने कहा कि ए बी ए पे देंगे, ए बी ए पर ए हम देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, ये हम पहुंचेंगे फिर से ए पे, फिर ए बी ए बी इस पर आप देंगे तो आप पहुंचेंगे ए बी ए बी ए पे, और फिर फाइनली जब आप ए बी ए बी ए पे ए देंगे तो आप पहुंचेंगे ए पे। अब आप यहाँ आ जाइए एम्प्टी स्ट्रिंग में, मान लीजिए हम जब बी देते हैं, फंक्शन हमने लिखा एम्प्टी स्ट्रिंग और उस पर हमने दिया बी, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग पे, यानी हम किसी नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर हमने कहा कि अगर हम ए पे बी देंगे तो हम पहुँचेंगे ए बी पे, फिर हम ए बी पे बी देंगे तो हम पहुँचेंगे फिर से एम्प्टी स्ट्रिंग पे, उसके बाद फिर हम ए बी ए पे बी देंगे, ए बी ए इस पर हम बी देंगे तो हम पहुंचेंगे ए बी पे, ठीक। फिर नेक्स्ट हम ए बी पे जब बी देंगे, ए बी पे हम बी देंगे तो हम पहुंचेंगे फिर से वापस एम्प्टी स्ट्रिंग पे, ठीक। और लास्ट में जब हम ए बी ए इस पर जब हम बी देंगे तो फाइनली ये जो पैटर्न हम सर्च कर रहे थे पी, उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये तो फंक्शन एफ की एंट्री हो गई टेबल के लिए। अब इसको अगर हम टेबल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो देखिए, टेबल फॉर्म में ये एंट्रीज को हम ड्रॉ करेंगे तो किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। मान लीजिए हमने कहा कि ये तुम्हारे स्टेट्स हो गए क्यू जीरो क्यू वन, ये दिखाएंगे हम, इधर हमने दिखा दिया नेक्स्ट स्टेट जहाँ पर हम पहुँचेंगे। अब इस तरह,
ठीक है। अब हमने क्या किया, Q1 पे ये हमने लिख दिया A, यहाँ लिख दिया हमने B। अब यहाँ पे जब आप Q0 से स्टार्ट लेंगे, मान लीजिए Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, ठीक है। तो Q0 पे A आप दे रहे हैं, तो Q0 पे A आप देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, A पे। A मतलब हो गया आपका Q1, तो यहाँ हमने लिख दिया Q1। फिर ऐसे B देंगे तो आप Q0 पे, ये आपने लिख दिया Q0। फिर Q1 पे ये देंगे तो Q1 पहुंचेंगे और यहाँ Q2 पहुंचेंगे। फिर Q2 पे आप ये देंगे तो Q3 और यहाँ पे वापस Q0 पे। फिर Q3 पे आप ये देंगे तो Q1 और B देंगे तो Q4 पे। फिर Q4 पे आप ये देंगे तो Q5 पे और B देंगे तो आप वापस Q0 पे। और Q5 पे आप ए देंगे तो Q1 पे पहुंचेंगे और बी देंगे तो जो पैटर्न आप ढूंढ रहे थे पी, उस पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये तो फंक्शन एंट्रीज हो गई और ये इसकी फंक्शन मैचिंग टेबल हो गई। अब इसका आप फंक्शन मैचिंग करस्पॉन्डिंग ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए, इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आप सारे नोड्स बनाइए। तो Q0 से लेकर, मान लीजिए ये आपने बनाया Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और ये लास्ट में आ गया आपका P, ठीक। तो पहले इसको मार्क कर दीजिए, ये हो गया Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और ये हो गया P। अब इसमें क्या होगा कि आप टेबल से आप देख के बनाते जाइए। तो Q0 पे हम ए देंगे तो Q1 पे, ये हमने ए दिया Q1 पे। फिर बी दिया तब जाके Q2 पे, तो हमने बी दे दिया ये। फिर ए दिया Q3 पे पहुंचे, फिर बी दिया हमने Q4 पे पहुंचे, और फिर ए देंगे तो Q5 पे और फिर बी देंगे तो हम पैटर्न पी पे पहुंच जाएंगे जो हमको सर्च करना है। अब Q0 पे ए दिया हमने, ये आया। अगर Q0 पे हम बी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो फिर हम उसी एम्प्टी स्ट्रिंग पे, तो यानी ये हम लिख दिया बी। सिमिलरली Q1 पे हम बी दे रहे हैं तो ये हो रहा है, Q1 पे ए दे रहे हैं तो Q1 पे ही रह जा रहा है, ये हमने लिख दिया ए, ठीक। फिर आ जाइए Q2 पे, Q2 पे हमने ए दिया तो ये है, और अगर बी दे रहे हैं Q2 पे तो वापस Q0 पे, तो ये हमने लिख दिया ऐसे, ये हमने लिखा बी। फिर Q3 पे आ जाइए, Q3 पे हम बी दे रहे हैं तो Q4 पे, और अगर ए दे रहे हैं तो वापस Q1 पे, तो यहां से हमने ए दिया वापस Q1 पे। फिर Q4 पे हम बी देंगे, Q3 हो गया, Q4 पे हम B देंगे तो वापस हम Q0 पे आ जा रहे हैं, ये हमने लिखा Q4, ये हमने लिखा B, तो वापस Q0 पहुंच गए। Q5 पे हम B दिए तो P पे गए हैं, और A देंगे तो वापस Q1 पे, तो ये आपने यहाँ से बना दिया A, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न मैचिंग ग्राफ भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो इसमें देखिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दी हुई है पैटर्न मैचिंग की, तो उसकी टेबल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे उसका, फंक्शन की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और फंक्शन एंट्री से हम क्या करेंगे कि फंक्शन एंट्री से हम सबसे पहले फंक्शन मैचिंग टेबल बनाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पैटर्न मैचिंग टेबल। इस तरह आप टेबल बना लेंगे, और टेबल को, टेबल से अगर आपको करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना है पैटर्न मैचिंग ग्राफ, तो इस तरह से आपका ये पैटर्न मैचिंग ग्राफ, इस तरह से आप पैटर्न मैचिंग ग्राफ बना सकते हैं, जिसमें सारे आपके इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, सारी चीज़ें जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आपके समझ में आ गई होंगी।
अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, ठीक है, तो पहले जो थ्योरी लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा, उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।